वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन जीके अभी के चैनल। देखिए दोस्तों, तैरता सोना या फ्लोटिंग गोल्ड ये कोई नॉर्मल सोना नहीं है। ये ऐसा वैसा धातु नहीं है जिसे आप जो है अपने आभूषणों के रूप में पहनते हैं, बल्कि ये एक अलग ही चीज़ है, एक सब्सटेंस है दोस्तों, एक पदार्थ है जिसकी कीमत गोल्ड से कम नहीं आंकी जाती है दोस्तों, बल्कि एक इसके कुछ केजीज जो है करोड़ों रुपये की वैल्यू के होते हैं। ये जो सब्सटेंस है दोस्तों स्पर्म वेलों से मिलता है। जी हाँ, स्पर्म वेल एक प्रकार की मछली है जो काफ़ी विशालकाय होती है, और अगर इसके आवास के बारे में बात करें तो पृथ्वी की अलग अलग जगहों में दोस्तों ये मछली पाई जाती है, चाहे वो विषुवत रेखा हो या इक्वेटर हो, चाहे वो पोलर रीजन हो दोस्तों या ध्रुवीय प्रदेश हो, लगभग हर जगह गहरे समुद्र में या डीप ओशन में ये मछलियां हमें देखने के लिए मिलती हैं दोस्तों। तो इसी मछली में, अब इस मछली को स्पर्म मछली या स्पर्म वेल क्यों कहते हैं, इस पर भी चलिए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, ये जो मछली है इसका स्कल आप देखिए, ये इसका हेड वाला हिस्सा है दोस्तों, स्कल। अब इस स्कल के अंदर छोटी छोटी या कैविटीज पाई जाती हैं दोस्तों, कोटर या खाली स्थान पाए जाते हैं। उन खाली स्थान में एक सब्सटेंस भरा रहता है दोस्तों, स्पर्मा कैटी या स्पर्मासैटी जिसे हम कहते हैं। और ये जो स्पर्मा कैटी या स्पर्मासैटी नाम का सब्सटेंस है दोस्तों, ये वाइट कलर का होता है और इसकी अपीयरेंस कुछ कुछ स्पर्म की तरह होती है दोस्तों, स्पर्म। तो इसी के नाम पर, इसी स्पर्मा कैटी सब्सटेंस के नाम पर ही इसको स्पर्म वेल कहा जाता है दोस्तों। तो ये जो स्पर्म वेल है, इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक में एक विशेष पदार्थ बनता है, इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक में एक विशेष पदार्थ बनता है जिसे हम एम्बर ग्रिस कहते हैं, एम्बर ग्रिस। ये एम्बर ग्रिस दोस्तों इस इतना कीमती होता है, इतना महंगा होता है कि इसे फ्लोटिंग गोल्ड की संज्ञा दे दी जाती है, फ्लोटिंग गोल्ड। जी हाँ, इसके कुछ केजी ही करोड़ों रुपये के होते हैं दोस्तों। तो एम्बर ग्रिस का उपयोग जो है हमें परफ्यूम इंडस्ट्री में, परफ्यूम इंडस्ट्री या इत्र के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। एक्चुअली में इससे जो इत्र बनता है दोस्तों, उससे मस्क वाली गंध आती, मस्क या कस्तूरी की गंध आती है। इसके अलावा और भी इसके कुछ उपयोग होते हैं, जैसे फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में, भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये रहा एम्बरग्रिस दोस्तों। अगर स्पर्म वेल के बारे में और बात करें तो स्पर्म वेल जो है हमारे भारत के लिए, अगर हम भारत के लिहाज से देखें तो भारत में स्पर्म वेल या स्पर्म वेल से जुड़ी हुई किसी भी चीज का ट्रेड करना, व्यापार करना, है ना, ये सारी चीजें जो है निषिद्ध है दोस्तों, क्योंकि ये जो स्पर्म वेल है वो भारत की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल या अनुसूची 2 के तहत सूचीबद्ध है दोस्तों, शेड्यूल 2 के अंतर्गत ये आता है हमारा स्पर्म वेल। तो स्पर्म वेल पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है भारत में, और इसीलिए एम्बर ग्रिस यानी कि स्पर्म वेल से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जैसे एम्बरग्रिस, इन सब का ट्रेड जो है भारत में जो है पूरी तरह से निषिद्ध है दोस्तों और गैर कानूनी है। तो ये